So, welcome to FinTerm. So, I am your FR tutor. Today is basically a demo session for the FR. Okay. So, I'm giving you my brief introduction. So, I am a qualified chartered accountant and company secretary. And I completed my MBA from basically in a finance stream and completed my diploma in FRS from ACC London. I have a total approximately 7 years experience in FR and SBI. So today I am starting your FR session. So पहले हम लोग बात कर लेते हैं FR के subject के बारे में. रामचंद्र एंड प्रियंका, there are two students. रामचंद्र, आपने पहले कभी कोई exam दिया है ACCA का? And प्रियंका? Yes sir, मेरा knowledge level clear है. बैकग्राउंड बेसिकली I just want to understand. So BCom. BCom. Okay. So this is your first exam. So BCom के basis पे आपको exemption मिल गया and your this is your इसके लिए भी first exam correct? Great. Yes, sir. तो पहले में थोड़ी सी बात कर लेते हैं subject के बारे में. I'm going to just give the brief introduction about the FR. FR है क्या वो सब समझ लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है? पेपर कैसे आने वाला है, क्या आने वाला है वो समझ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करें, ठीक है? तो स्किल लेवल में कोई जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें हमारे पास बेसिकली कैसा रहता है कि तीन सेशन होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी. पार्ट ए सेशन होगा हमारे पास, पार्ट बी होगा और पार्ट सी. There are three session. Part A में हमारे पास कितने questions होंगे? हम लोग के पास 15 questions होंगे. There are 15 questions, ठीक है? और 2 marks each. 2 marks के each के 15 question होंगे. That is a 30 marks. Part B, this is Part B. Questions होंगे इसमें 3 questions होंगे इसमें, ठीक है? 10 marks each. This is 30 marks and part C. There are 2 questions, 20 marks each. 20 marks each, there are 40 marks. इस तरह से denomination होगा आपका 100 marks का. यहां पे जितने भी questions होंगे सब compulsory questions हैं. इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स क्वेश्चन. इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे एक केस स्टडी के अंदर. ये केस स्टडी क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होगा. यहाँ पे 3 क्वेश्चंस जो होंगे केस स्टडी होंगे. केस स्टडी मीन्स क्या होता है? केस स्टडी मीन्स क्या होता है? यहाँ पे आपको एक पूरी केस स्टडी दिया गया होगा. उस केस स्टडी के बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है? 5 क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स ईच. इस तरह से ये डिनोमिनेशन रहेगा 10 मार्क्स का. 5 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे आपके पास आएगा 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के. इस तरह से 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और सबको पूरा कंपल्सरी क्वेश्चन पेपर है. कोई भी आपके पास कोई चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम होगा हमारा. अभी चलते हम लोग पहले सब्जेक्ट के ऊपर. सब्जेक्ट में क्या क्या करने वाले हम लोग, एफ आर में क्या 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 टॉपिक्स होंगे हमारे पास एफ आर में, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से. पहले पूरा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग. एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो हम लोग पास टोटल चैप्टर्स हैं यहाँ पे. हम लोग पास टोटल चैप्टर्स हैं हमारे पास 23, ठीक है? जो 24, 25, 26 दिस इज नॉट अ चैप्टर. 23 चैप्टर्स है हमारे पास टोटल. चैप्टर नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जो लिस्ट होगी, जो जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग,
वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से टॉपिक्स होंगे जिसमें से पार्ट ए के क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिसमें पार्ट बी के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे पार्ट सी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट सी के लिए, पार्ट सी, ठीक है, जिनमें 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड पार्ट सी इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो इसमें टू क्वेश्चन होंगे, टू क्वेश्चन में बस तीन चैप्टर्स ऐसे हैं, तीन चैप्टर्स हैं, इन तीन चैप्टर्स में से बेसिकली हम लोग को दो क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन हैं, इन तीन चैप्टर में से ही क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं? पहला चैप्टर है कंसोलिडेशन, फर्स्ट चैप्टर इज कंसोलिडेशन, सेकंड चैप्टर है हमारे पास रेशियो, जिसे बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट चैप्टर इज अ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में भी हमारे पास में कंसोलिडेशन भी कई टाइप के हमारे पास, कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट हम लोग को देखना है कि हम लोग बैलेंस शीट को किस तरह से कंसोलिडेट करते हैं, पीएल का कंसोलिडेशन देखना है। ठीक है, कैश फ्लो का कंसोलिडेशन होता है लेकिन हमारे कोर्स में कैश फ्लो का कंसोलिडेशन नहीं है, तो हम लोग को ये नहीं देखना, क्योंकि हम लोग जब एसबीआर में आएंगे तो वहां पे कैश फ्लो का कंसोलिडेशन में हम लोग देखना है, लेकिन हमारे एफआर के कोर्स में सिर्फ दो कंसोलिडेशन है, बैलेंस शीट का कंसोलिडेशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कंसोलिडेशन। ठीक है, तो कंसोलिडेशन हम लोग टॉपिक देखना है कंसोलिडेशन में। सेकंड है रेशियो एनालिसिस, रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से इंटरप्रेट करना है हम लोग को। तो ये चैप्टर नंबर सेकंड है जो हमारे पास पार्ट सी में आता है। एंड थर्ड चैप्टर इज अ, फर्स्ट चैप्टर इज अ कंसोलिडेशन, सेकंड चैप्टर इज अ रेशियो एनालिसिस, ठीक है, और थर्ड चैप्टर इज अ सिंगल एंटिटी, सिंगल एंटिटी, सिंगल एंटिटी। तो तीन चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से आपके पास एग्जाम आने वाला है। हर बार ऐसे ही होगा आपके पास कि इन तीन चैप्टर्स में से एक चैप्टर ऐसा होगा जिसमें से आपका पेपर आएगा, कंसोलिडेशन, रेशियो एनालिसिस, सिंगल एंटिटी। इन तीन चैप्टर्स में से कोई दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। बेसिकली हमारे पास जो एफआर का पेपर बनता है उसके चार सेट बनते हैं, तो जरूरी नहीं है आपके पास में कि कंसोलिडेशन, हो सकता है कि आपके पास कंसोलिडेशन रेशियो आए, दूसरे सेट में रेशियो और सिंगल एंटिटी हो जाए, ठीक है, थर्ड सेट ऑफ पेपर में आपके पास कंसोलिडेशन और सिंगल एंटिटी हो जाए, किसी भी तरह से हो सकता है। तो बेसिकली आते ही नहीं तीन चैप्टर्स में से हैं ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है। अब बात आती है पार्ट ए एंड पार्ट बी की, उसमें से किसी भी चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे चैप्टर में सेकंड से लेकर के चैप्टर में 23 तक जितने भी चैप्टर्स है इसमें से किसी भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे, हम लोग पेपर में हम लोग जो स्टडी स्टार्ट करेंगे उसमें से क्या क्या चीजें करेंगे, पार्ट ए बीपीपी पूरा प्लान कंप्लीट करेंगे, पूरा बीपीपी कंप्लीट करेंगे हम लोग, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों चीजें कवर करनी है हम लोग को, पार्ट बी पूरा हम लोगों का प्लान है बीपीपी कवर करना है, और पार्ट सी में से हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, कप्लान कवर करेंगे, क्योंकि कप्लान के और हमारे बीपी के क्वेश्चन सेम है पार्ट सी के, ठीक है, और पास्ट पेपर, पास्ट पेपर, पास्ट पेपर। तो ये चीज हम लोग कवर करनी है बेसिकली क्लास के अंदर, पार्ट ए पूरा कंप्लीट करेंगे कप्लान एंड बीपीपी, ठीक है, पार्ट बी पूरा कंप्लीट करेंगे कप्लान बीपीपी से, क्योंकि कप्लान के क्वेश्चंस और बीपीपी के क्वेश्चंस हमारे अलग अलग है, ठीक है, पार्ट एंड पार्ट बी के। पार्ट सी के क्वेश्चन सेम है कप्लान और बीपीपी के, तो हम लोग कप्लान कंप्लीट करेंगे और एटलीस्ट 10 पास पेपर्स करेंगे, 10, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफआर में कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, सिंगल एंटिटी क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं का प्लान है बीपीपी के, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, एग्जाम में काफी बार एडजस्टमेंट सेम हो जाती है, अगर हमने पास पेपर सॉल्व किए हुए कंसोलिडेशन सिंगल एंटिटी के सेम क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है ना, एक दो एडजस्टमेंट नहीं होती है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाता है। तो पास पेपर जरूर सॉल्व करना है हम लोग को, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हम लोग एफ आर की बात करें, चाहे एफ एम की बात करें, चाहे डबल ए की बात करें, चाहे टैक्सेशन की बात, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, पास पेपर बहुत जरूरी है सॉल्व करना, ताकि आपको एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि पेपर आता कैसे, ठीक, क्या लेवल क्या है क्वेश्चन पेपर का, ठीक, तो आपको एटलीस्ट वो समझ में आएगा और आपको हेल्प भी करेगा, कई बार क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं हमारे पास, केवल फिगर चेंज होंगी और एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा,
हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये हम लोग का पूरा कवरेज रहेगा। हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम लोग कप्लान तो कंप्लीट करेंगे, कप्लान हम लोग का बेसिक रहेगा, लेकिन मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं पूरे, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट के। आप देख पा रहे हो स्क्रीन में हर टॉपिक वाइज, जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल नॉन करंट एसेट जैसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 23 है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 है पेज नंबर 23। चैप्टर का नाम है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब इस टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, जैसे द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर, हम लोग कौन कौन से आईएएस कंप्लीट करने हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में बेसिकली हमारे पास कौन कौन से आईएएस हैं, आईएएस 16। अच्छा आईएएस और एफआरएस होता क्या पहले वो भी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। हम लोग को पूरे टॉपिक में करना क्या है, पूरे एफआर में करना क्या है, ठीक है। तो हम लोग के पास, हम लोग को सिर्फ आईएएस पढ़ने हैं और आईएफआरएस पढ़ने हैं, दो चीजें हम लोग करनी है बेसिकली। अब आईएएस और आईएफआरएस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज आईएएस, आईएएस रिप्रेजेंट फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और आईएफआरएस मींस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो जितने भी आईएएस हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग अकाउंटिंग किस तरह से करनी है हम लोग को। जैसे इंडिया में हम लोग के पास क्या है चलता है, हम लोग का इंडिया चलता है, इंडिया के अंदर व्हाट इज इंडिया, इंडिया क्या है, इंडिया इज अ कन्वर्ज वर्जन ऑफ आईएफआरएस। कन्वर्ज वर्जन मतलब क्या होता है, जैसे जो आईएफआरएस कमेटी है यूके की, उन्होंने क्या किया, आईएफआरएस बनाए और अलग अलग कंट्रीज के पास में गए, उन्होंने बोला कि हम लोग आईएफआरएस यूज कर रहे हैं, आप लोग भी आईएफआरएस यूज करो, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि जो एज इट इज आईएफआरएस यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग फ्रांस की बात करें, ठीक है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हम लोग पाकिस्तान की बात करें, और भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो एज इट इज, 179 कंट्रीज ऐसी हैं जो एज इट इज आईएफआरएस यूज कर रहे हैं आज की तारीख, आज की डेट में। वो लोग इंडिया भी आए, उन्होंने बोला कि आप लोग भी आईएफआरएस यूज करो, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो आईएफआरएस यूज कर रही हैं, तो उनको बहुत सिंपल रहेगा। मान लो सपोज हम बात करें कि आज की डेट में ACCA की रीच, ACCA कंप्लीट करने के बाद में आगे बढ़ अपॉर्चुनिटी कितनी कंट्रीज में जाने की, 179 कंट्रीज में कहीं भी जाकर क्या क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, 179 कंट्रीज ऐसी हैं। तो मेन रीजन क्या है, क्या 179 कंट्रीज में जाकर क्यों आप रीच क्यों है ACCA की, केवल एक ही सब्जेक्ट की वजह से। एक सब्जेक्ट क्या है, दैट इज IFRS, दैट इज FR और SBR, क्योंकि आपके पास नॉलेज किसकी, आपके पास नॉलेज है किसकी, IFRS की, क्योंकि आप बात करते हैं डबल ए की, आप बात करते हो FM की, आप बात करते हो टैक्सेशन की, वो हर कंट्री का अलग अलग होता है। हम लोग टैक्सेशन की बात करेंगे तो हम लोग ACCA में यूके टैक्सेशन करते हैं, ठीक है, लेकिन आप FR की बात करोगे, आप IFRS की बात करोगे या SBR की बात करोगे, तो वो ग्लोबल रीच है उसका, 179 कंट्रीज में किसी भी कंट्रीज में जाओगे तो सेम IFRS यूज करोगे। अगर हमने IFRS कर लिया तो आप दुबई में भी जाके काम कर सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाके भी काम कर सकते हो, आप कनाडा भी जाके काम कर सकते हो, आप फ्रांस भी जाके काम कर सकते हो, आप स्वीडन भी जाके काम कर सकते हो, क्योंकि सब सब जगह, हर जगह जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो कौन सी है, IFRS के हिसाब से ही है, ठीक है। इसलिए ग्लोबल रीच है ACCA का, केवल एक सब्जेक्ट की वजह से, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे हम लोगों को IAS इंडिया में, जब वो लोग आए, हम लोग क्या बात कर रहे थे, इंडिया में आए IFRS कमेटी वाले, उन्होंने बोला कि आप लोग भी, क्योंकि 179 कंट्रीज यूज कर रहे हैं तो आप लोग भी यूज कर सकते हो उसको, वो लोग यहाँ पे आए। लेकिन कई बार होता है कि जो यूके के जो इकोनॉमिकल एनवायरमेंट है, वहां पे जो बिजनेस एनवायरमेंट है यूके का, वो बिल्कुल अलग है, वहां का इन्फ्लेशन रेट, वहां का डिफ्लेशन, वो सब चीजें अलग अलग है, इसीलिए वहां पे जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वहां पे IFRS की अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के जो बिजनेस एनवायरमेंट है, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट है, वो बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम IFRS नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ज वर्जन ऑफ IFRS यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द इंड एएस। तो उन्होंने क्या करा, बेसिकली IFRS में से कुछ चीजें हटा दी हैं लोगों ने IFRS में से, और कुछ चीजें इंक्लूड कर दी हैं। जो चीज हटाई है दैट इज कॉल्ड द कार्व आउट्स, कुछ चीजें हटाई हैं दैट इज कॉल्ड द कार्व आउट्स, और कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे दैट इज कॉल्ड द कार्विंस। तो कुछ कार्विंस एंड कार्व आउट्स है जो चेंजेस हैं, ठीक है, IFRS के चेंजेस हैं। अगर हम लोग IFRS में से कुछ चीजें हटाएं
और कुछ चीजें इंक्लूड करना है, तो क्या बन जाते हैं, इंडेक्स बन जाते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हम लोग के इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही यूज हो रहे हैं। तो आप अगर IFRS कंप्लीट करते हो और उसमें से कुछ चीजें इंक्लूड करके कुछ जो कारण कार्व आउट्स अलग से पढ़ लेते हो, तो आप समझ लोगे कि आपका इंडेक्स में भी कवर हो गए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। टोटल 14 कार्बन कार्व आउट्स हैं, अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हो 14, ठीक है, अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको IFRS के साथ साथ इंडेक्स की नॉलेज भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग के कोर्स में बेसिकली ISE है, IS और IFRS ही है। अब IS का मतलब क्या होता है, व्हाट इज IS, IES जितने भी हम लोग IS करेंगे उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो क्या बताएगा कि हम लोग को किसी भी टॉपिक का कोई भी ट्रांजेक्शन हमने किया है उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो उसका नाम ही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, IFRS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। हम लोगों को जैसे हम लोग बात करें तो IFRS 2, जैसे बहुत सारे हम लोग IFRS करेंगे, बहुत सारे IAS करेंगे, तो IFRS क्या बोलेगा, हम लोग किसी भी चीज को, कोई भी ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट कैसे करना है, वहां पे अकाउंटिंग के बारे में बात नहीं होगी, उसको रिपोर्ट कैसे करना है वो बताया जाएगा। अपने रिपोर्ट करने मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे IAS की बात करेंगे तो IAS क्या बताएगा कि अकाउंटिंग कैसे करेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक की, पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, हम लोग सिर्फ IAS और IFRS ही करने, जितने भी IAS और IFRS हम लोग कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे बहुत सारे IAS पढ़ने हैं हम लोग, बहुत सारे IFRS करने हैं। क्या कौन कौन से IAS कौन कौन से IFRS करने हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, ओवरव्यू देते हैं पूरे टॉपिक का, तो आपको अच्छा लगेगा, पूरा समझ में आएगा कि कब का करना क्यों, क्योंकि FR सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर वो सब्जेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल वर्ड में आगे कहाँ का प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी चीज हम लोग समझनी है। तो जैसे चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हम लोग को कौन कौन से IAS कौन कौन से IFRS कंप्लीट करने हैं हम लोग को देखना है। तो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें IAS 16 है। IAS 16 किसके बारे में बात करता है, व्हाट इज IAS, ऑब्वियस आपको समझ आएगा कि किसके बारे में बात करेगा, अकाउंटिंग के बारे में बात करेगा कि अकाउंटिंग कैसे की जाए, किसकी अकाउंटिंग। IAS 16 किसके बारे में बात करता है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के बारे में बात करता है। प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। ठीक है, तो अब अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदा है, कोई प्लांट खरीदा है या कोई इक्विपमेंट खरीदा है, उसके बारे में पूरी आपको नॉलेज देगा कि प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसका इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करना है हम लोगों, उसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे करना है हम लोगों, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है हम लोगों, जिस दिन लोगों ने खरीदा है उस एसेट्स को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, तो पूरी नॉलेज आपको देगा। तो IAS 16 किसके बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की अकाउंटिंग के बारे में बात करता है कि हम लोग उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर नंबर 2 का जो सेकंड IAS है, दैट इज IAS 40, वो बात करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब बताया, जैसे यहाँ पे हम लोग जब स्टार्ट करेंगे टॉपिक तो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, जैसे आपको मैं एक बार शेयर करते हैं स्क्रीन आपके साथ में IAS 16 की, तो हम लोग जो करेंगे बुक तो हम लोग कवर करनी है, कप्लान तो पूरी कवर करनी है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कप्लान में है, ठीक है, और वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम लोग कप्लान कंप्लीट करना ही है, लेकिन काफी चीजें ऐसी हैं जो कप्लान में नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने पास पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ चीजें और करनी पड़ेंगी ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हम लोग को उस टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पास पेपर में जो कप्लान में है ही नहीं, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं कप्लान है BPP में, तो हम लोग को अलग से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग को एग्जाम भी एक्सेल पे ही देना है, पूरा पेपर हम लोगों को एक्सेल पे ही करना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल पे ही पूरे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो पास्ट पेपर के क्वेश्चन हो, चाहे वो एग्जाम के क्वेश्चन हो, चाहे वो स्टडी टेस्ट के क्वेश्चन हो, ठीक है, पूरे क्वेश्चन हम लोग करने कैसे करने हैं, एक्सेल पे ही करने हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हुई एक्सेल पे क्वेश्चन करने का। ठीक है, कोई चीज आपको जब एग्जाम देने के लिए जाओ तो आपको कोई चीज नई ना लगे, तो जितने भी टॉपिक आप देख रहे हो हर टॉपिक की एक एक्सेल है, क्लास के बाद आपके साथ वो एक्सेल शेयर की जाएगी। ठीक है, आप उसके बेसिस पे ही आपको रिवाइज करना है, क्योंकि अभी जो एक्सेल है, ये जो जितनी भी एक्सेल आप देख रहे हो, ठीक है, ये एक्सेल में BPP पूरा कवर है, जो नोट्स बने हुए हैं BPP के बेसिस पे भी है और कप्लान के बेसिस पे भी है, क्योंकि काफी चीजें ऐसी हैं जो कप्लान में है BPP में नहीं है, काफी चीजें ऐसी जो BPP में है कप्लान में नहीं है, और काफी चीजें ऐसी जो दोनों में ही नहीं है लेकिन फिर भी पास पेपर में पूछी हुई है, तो वो भी इसके अंदर है। ठीक है, तो हम लोग वो चीज सारी चीजें देख रही है हम लोगों, जैसे IAS 40 की बात करेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो
आप लोग को यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा, डायग्राम के फॉर्म में समझना पड़ता है काफी बार। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, काफी बार टॉपिक स्टार्ट करने से पहले टॉपिक है क्या, जैसे आई 16 है, तो आई 16 जब लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, तो पहले पूरा ओवरव्यू लेंगे। अप्रोक्सीमेटली कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका ओवरव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो आपको ओवरव्यू नहीं समझ में आएगा कि इस टॉपिक में करना क्या क्या है हम लोग को, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग कवर करनी है, और पढ़ना क्यों टॉपिक, रीजन क्या है, ये टॉपिक आया क्यों, आई सेशन की जरूरत क्या है प्रैक्टिकल वर्ड में। अगर ये टॉपिक नहीं होगा तो कहाँ प्रॉब्लम होगी, वो सबसे पहले समझ रहे हैं हम लोग को, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट नहीं कर देना कि आई 16 हम लोगों ने स्टार्ट किया, पहले दिन स्टार्ट कर दिया कि आई 16 वर्ड आई 16 और टॉपिक स्टार्ट कर दे, नहीं, पहले समझो कि आई 16 अगर नहीं होगा प्रैक्टिकल वर्ड में तो हम लोग अकाउंटिंग किस तरह से गलत हो जाएगी। आई 40 जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, वो होता क्या है, अगर वो एक्चुअल में नहीं होगा, वो आने का रीजन क्या है, क्यों बना है आई 40, अगर आपने आई 40 का रीजन समझ लिया एक बार कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का आईएस नहीं होगा, ये हमने स्किप कर दिया, केवल आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो एफआर को या कोई भी सब्जेक्ट को कि हमें सिर्फ पास होना है, पास तो वैसे भी हो जाओगे, पास का तो टेंशन नहीं इसी सीए में, अप्रोक्सीमेटली 40-50% पासिंग परसेंटेज रहता है एसीसीए का, और इंडिया का रिजल्ट तो और अच्छा होता जा रहा है, ठीक है। तो पासिंग का इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है कि हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो हमारा मेन फोकस है वो यही है कि कंसेप्ट किसी तरह से क्लियर हो मेरे किसी भी टॉपिक के, ताकि हम लोग उस कंसेप्ट को यूज कर पाए प्रैक्टिकल वर्ड में। आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जितने भी बिग फोर है, ठीक है, वो क्या देखते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, एसीसी तो कंप्लीट हो गया लेकिन अभी कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, अगर अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो ऑब्वियसली बात आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, यही यहाँ पे गैप रहता है कि अभी कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ऑब्वियसली आपको हाइक मिलेगा, आपको फर्स्ट जॉब अच्छा मिलेगा, जो कि मेन कंसेप्ट क्लियरिटी ही फ्रंट टर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि पास होना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, पास होगा वैसे भी जाओगे, पास होना इज नॉट अ बिग डील एसीसीए में, एसीसीए में मेन बिग डील क्या है कि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी, कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो कंसेप्ट क्लियरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो हम लोग पहले वो ओवरव्यू लेते हैं, तो सेप्टेम्बर 2 में बहुत सारे आईएसएस हैं हम लोग के पास, आईएस 16 है जो प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के बारे में बात करता है, आईएस 40 है जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, फिर उसके बाद हम लोग के पास आता है आईएस 23 बात करता है, जो आईएस 23 है, ठीक है, वो नॉर्मली हम लोग से बात करता है बोरिंग कॉस्ट के बारे में, बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ बोरिंग कॉस्ट के बारे में बताया गया कि एक टाइम होता है, जैसे मान लो सपोज हम लोगों ने कोई भी अमाउंट बोरो किया बैंक से, ठीक है, जब तक कोई एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, कोई एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो जब तक वो एसेट्स बन के तैयार नहीं हो जाता, तो आईएस 23 बोलता है कि आपने बोरो किया पैसा, जिस दिन बोरो करोगे उस दिन से इंटरेस्ट कॉस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन बोरिंग कॉस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका, और जब तक वो एसेट्स बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक जितनी भी बोरिंग कॉस्ट होगी सब पूरा का पूरा क्या करेंगे हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद जो भी बोरिंग कॉस्ट होगी उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बोरिंग कॉस्ट को किस तरह से ट्रीट करना है उसके बारे में बताया गया, ठीक है, हम लोग बहुत डेप्थ में करेंगे इसको, एक एक चीज को डेप्थ में करेंगे। फिर आता है गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में, आईएस 20 बात करता है गवर्नमेंट ग्रांट, अगर हमको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो उसकी अकाउंटिंग किससे करेंगे, तो गवर्नमेंट ग्रांट भी दो तरीके की होती है, एक होता है रेवेन्यू ग्रांट, एक होता है कैपिटल ग्रांट। रेवेन्यू ग्रांट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू ग्रांट का मतलब होता है मान लो सपोज आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, मान लो सपोज आप गवर्नमेंट आपको बोल रही है, जैसे आपने सुना होगा प्रैक्टिकल वर्ड में भी आप लोग काम बहुत आपने न्यूज पेपर से करने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट बोलता है कि आप पर्टिकुलर एरिया में जाकर के अपना फैक्ट्री लगाओगे, ठीक है, तो हम आपको कुछ सब्सिडीज दे देंगे, जैसे अपने दिल्ली में या बहुत सारे सिटीज में बहुत एक एसईजेड बना के रखते हैं गवर्नमेंट। एसईजेड का मतलब क्या होता है, एसईजेड का मतलब होता है कि अगर पर्टिकुलर बैकग्राउंड एरिया होता है, बैकवर्ड एरिया होता है, बैकवर्ड एरिया में जाकर के आप क्या करते हो, अपनी फैक्ट्री लगाते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो हम गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज देती है अलग तरीके की। जैसे दिल्ली में भी एक जगह है जहां पे गवर्नमेंट ने, वो एसईजेड है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप पर्टिकुलर एरिया में जाकर फैक्ट्री लगाओगे ना, तो आपको जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा
उसका 50% क्या कर देंगे, हम वेव कर देंगे, सब्सिडी दे देंगे। तो पर्टिकुलर उस एरिया में अगर आपने फैक्ट्री लगाया और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एज इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर है वो हमारे सपोज 1,00,000 रुपीज का हुआ और 50% आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट। अब उस गवर्नमेंट ग्रांट जो 50% गवर्नमेंट ग्रांट मिली है उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी? या फिर कई एरिया ऐसे होते हैं, जैसे भी आपने महाराष्ट्र का केस सुना होगा, महाराष्ट्र के केस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कंपनी को बुलाया, उन्होंने बोला आप हमारे एरिया में आकर के फैक्ट्री लगाओगे तो आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, मान लो सपोज आपने $10 million का आपने आकर के आप इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, हम आपको क्या करेंगे 50% गवर्नमेंट ग्रांट दे देंगे। मतलब $10 million अगर आपने खर्च किया है तो 5 million हम आपको क्या कर देंगे, एज अ सब्सिडी दे देंगे। अब जो 5 million जो कंपनी को मिला है कैपिटल ग्रांट, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी? तो IAS 20 बात करता है कि अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई रेवेन्यू ग्रांट दी है या कोई कैपिटल ग्रांट दी है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। बहुत डेप्थ में करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग IASs है। क्या हम लोग IAS 16 की बात करें, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, दिस इज द बेस IAS। तो हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले हैं डायग्राम के थ्रू भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी बुक में बहुत क्लियरिटी से नहीं दी हुई है कि हम लोग अकाउंटिंग किस तरह करने वाले हैं उसकी। जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पे पूरी आप देखोगे तो हमने डायग्राम बना के रखे हुए हैं। केसेस करेंगे इस केस के बाहर, क्योंकि एक केस होता है जहां पे हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं प्रॉपर्टीज का। तो ये जो टॉपिक अगर आप कवर करोगे तो जो भी केसेस हैं इस केस के बाहर आपका केस नहीं हो सकता, एग्जाम में इसके बाहर आ ही नहीं सकता। जो ये केसेस हैं जो हमने डायग्राम बनाए हुए हैं, इसमें कई केसेस ऐसे हैं जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी पास्ट पेपर में पूछे हुए हम आपको दिखाएंगे, आपको पास्ट पेपर जो सॉल्व करेंगे उसमें आपको दिखाएंगे। जो आपको बुक में कहीं भी नहीं है, ना कपलान में दिया हुआ है ना बीबीपी में दिया हुआ है, ये डायग्राम में है, आपको डायग्राम समझ में आएगा, डायग्राम से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा आपको और डेप्थ में कि हम लोग को डायग्राम की क्या जरूरत है, हम लोग क्या जरूरत है क्लास नोट्स की, ठीक है। तो हम लोग जैसे चैप्टर नंबर 2 की बात करा, चैप्टर नंबर 2 में जैसे हमने बात करी IAS 16 की, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंटिंग कैसे करनी है, होता क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसके बारे में समझेंगे, अकाउंटिंग कैसे करनी है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर IAS 40 नहीं होगा, कई बार हम लोग को ये चीज समझ नहीं आती हम लोग को पढ़ना क्यों, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, अगर ये IAS 16 नहीं होगा तो प्रॉब्लम कहाँ हो जाएगा। तो आपको एक्चुअल में उसका एग्जिस्टेंस समझ में आएगा, हर IAS का हर टॉपिक का एग्जिस्टेंस समझना बहुत जरूरी है कि वो आया क्यों, क्या गवर्नमेंट ने क्या प्रॉब्लम हुई होगी जब वो ये टॉपिक लेकर के आए होंगे। जैसे पहले क्लास 12 से हमने कभी भी या कभी भी आपने नहीं सुना होगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी पहले जब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे वहां पे अकाउंटिंग एक तरह से होती थी सर कि हम लोग कॉस्ट मॉडल पे ही फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पास और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं आप अकाउंटिंग करने के, वो अकाउंटिंग के मॉडल्स लाने के रीजन क्या है। जैसे यहाँ पे आपको बोला कि कॉस्ट मॉडल है या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल पर देखो अकाउंटिंग कर सकते हो, कॉस्ट मॉडल से अकाउंटिंग कर सकते हो या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल, एक नया मॉडल निकाला है इन्होंने रिवैल्यूएशन। अब उसकी जरूरत क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी जरूरत क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि इस कमेटी ने या इवन इंडिया ने भी उस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया है। जो हमारे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे वो रूल बेस्ड अकाउंटिंग हुआ। रूल बेस्ड अकाउंटिंग मतलब क्या है, रूल बेस्ड का मतलब है कि हमने जो लिख दिया है आपको वही फॉलो करना है, दैट कॉल्ड रूल बेस्ड अकाउंटिंग। अब जो अकाउंटिंग होती है वो होती है प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग। प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब क्या होता है, वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है, आप या तो इस तरह से अकाउंटिंग कर सकते हो या फिर इस तरह से अकाउंटिंग कर सकते हो या फिर इस तरह से अकाउंटिंग कर सकते हो। आप अपना खुद का जजमेंट यूज करो कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है। बस बेसिकली मेन रीजन क्या है, इंड एस का या IFRS का या फिर IAS का मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव ये है कि आपकी अकाउंटिंग आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द IAS, IFRS और इंड एस किसी के भी, क्योंकि जितने भी IAS हैं, जितने भी IFRS हैं, जितने भी इंड एस हैं, हम लोग इंड एस बार बार इसलिए बोल रहे हैं हम लोग, हालांकि इंड एस नहीं पढ़ने, हमारे कोर्स में इंड एस नहीं है, हम लोग को सिर्फ IAS और IFRS के बारे में बात करनी है। हम बार बार इंडेस इसलिए बोले क्योंकि बहुत सिमिलर है। हम लोग बात करेंगे तो टोटल 14 हमने आपको बताया 14 कार्विन कार्वआउट्स है, अगर आपने 14 कार्विन कार्वआउट्स पर पढ़ लिया तो आपके सेम हो जाएंगे वो, ठीक है। तो बेसिकली हम इस यहाँ पे
यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो अकाउंटिंग है अभी पूरी प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग हो गई है, आपको खुद का ही जजमेंट यूज करना है कि अकाउंटिंग किस तरह से की जाए, कौन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको अकाउंटिंग इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, और अपना खुद का जजमेंट ही यूज करना है आपको कि किस तरह से अकाउंटिंग हम लोग करें कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे। ठीक है, तो आईएएस 16 प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के बारे में बात करेगा, पूरी अकाउंटिंग बताएगा आपको। फिर आईएएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है उसकी पूरी अकाउंटिंग बारे में बात करेगा। आईएएस 23 बोरिंग कॉस्ट के बारे में, हमने जो पैसा बोरो किया हुआ है उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में, गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिली है, रेवेन्यू ग्रांट मिली है या फिर कैपिटल ग्रांट मिली है। अब रेवेन्यू ग्रांट क्या होती है, कैपिटल ग्रांट होता है, वो डिटेल में हम लोग करेंगे, आज नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है अभी तो सिर्फ टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए। अब रेवेन्यू ग्रांट क्या होता है, कैपिटल ग्रांट क्या होता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे कैसे की जाती है, हम लोग क्लास नोट्स बनाएंगे पूरे। ठीक है, हम आपको जैसे आए दिखाते हैं यहाँ पे आईएएस 20 की बात करेंगे हम लोग, तो आईएएस 20 में हम लोग जब लोग अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आईएएस 20 के जितने भी क्लास नोट्स हैं, ठीक है, वो हम लोग करेंगे कि क्लास में किस तरह से हम लोगों को अकाउंटिंग करनी है, पीएल कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, सिर्फ अकाउंटिंग नहीं करनी है उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है वो भी हम लोग को देखना है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनती है, ठीक है, वो भी हम लोग को देखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो केवल और केवल बुक में लिखा है उतना नहीं करना, उसके बाद उसके ओवर एंड अबव जाकर भी आपको सोचना पड़ेगा ताकि अभी कंसेप्ट ओपन हो जाए। एक बार कंसेप्ट ओपन हो जाएंगे ना, क्योंकि आप ये समझो कि एफआर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एक्चुअल एक्ट है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाकर यूज करोगे आप आईएफआरएस और जो आईएएस यूज करोगे, हम पिछले 12 इयर्स से हम सिर्फ आईएएस और एफआरएस में ही काम कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि आईएफआरएस और आईएएस इज अ ओशियन। आज की डेट में भी हम ये नहीं बोल सकते कि हमको आईएएस और आईएफआरएस आज भी हमको पूरे तरीके से आता है, आज भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज भी ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हम आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसी ऐसी चीजें आपको बताएंगे, क्लास के ड्यूरेशन में ऑब्वियस बताएंगे कि हम थोड़े आज की डेट में भी हम लोग के पास ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाती है, ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं, हम लोग को पता ही नहीं होता कि उसकी अकाउंटिंग ऐसे करें, क्या चीज क्या किस तरह से अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, तो इधर इट्स ओशियन, और आईएफआरएस और आईएएस का कंसेप्ट, इसकी जो बुक है एक्चुअल में जो एक्ट है उसका आप मान के चलो केवल 10% आपको पढ़ना है। एफआरएस 10% ऑफ एक्चुअल आईएफआरएस और आईएएस, सिर्फ 10%, और एसबीआर जो आप हायर रेलवे के एसबीआर करोगे तो 20-25% के पढ़ोगे, और बाकी आप जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे ना तब जब आईएफआरएस और आईएएस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है ये। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको अगर आपको 10% समझ आ गया ना, 10% में करना क्या, हम लोग कंसेप्ट क्लियरिटी करनी है ताकि हम अगर कल को आपके पास ना हो तब खुद से एक्ट खोलो और पढ़ पाओ कि मैं हम लोग को जजमेंट खुद से ले पाओ कि इसकी अकाउंटिंग किस तरह की जाए, क्योंकि हम लोग हम हर समय तो आपके पास नहीं रहेंगे ना। एक बार आपका एफआर क्लियर होगा, आपका एसबीआर क्लियर होगा, आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में गए, आप अपने क्लाइंट के सामने बैठे हुए हो, तो नई नई ट्रांजेक्शन आ जाती हैं, वो नई नई चीजें पूछेगा आपसे, आपको बताना पड़ेगा उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे। आपके इवन आप अपने वाइस प्रेसिडेंट के सामने बैठे हुए, अपने मैनेजर के सामने बैठे हुए हो, वो पूछेगा अकाउंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो हम लोग को वो चीज समझ में आनी जो बहुत जरूरी है। अब प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट जब लोग स्टार्ट करेंगे या कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसकी अकाउंटिंग भी हम लोग को समझनी पड़ेगी कि यहां पे आपको सिर्फ दिया गया होगा आपकी बुक में। एफआर का एक ड्रॉबैक और भी है, एफआर का एक ड्रॉबैक क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पे आपको बताया तो गया है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है लेकिन थ्योरेटिकल फॉर्म में बताया गया, प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं बताया गया। उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे, क्योंकि अब कोई भी बुक्स है, आप किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग करने के लिए जाओगे तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, जितने भी सॉफ्टवेयर है उसका इनपुट क्या होता है, उसका इनपुट होता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के थ्रू ही आप क्या करते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में इनपुट करते हो, पीएल और बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते आप किसी भी कंपनी में जाकर के, वो तो सॉफ्टवेयर बना के देगा आपको। आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री बनानी जरूर आनी चाहिए। तो कोई भी टॉपिक है उसकी जर्नल एंट्री ऐसे बनती है वो बहुत जरूरी है, और आपकी बुक में नहीं है, और इवन आपके आपके पेपर में पूछा हुआ है इसके अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी टॉपिक की जर्नल एंट्री नहीं आती है
तो आप उसका अकाउंटिंग इफेक्ट कैसे दोगे? आपको ये जरूर पता है, चलो ठीक है, आपको पता है कि हम लोग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है। वो बोलेगा कि आपको आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करो या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करो। लेकिन आपका मैनेजर पूछेगा ठीक है चलो ठीक है आपका रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है आपको, लेकिन इसकी अकाउंटिंग इफेक्ट कैसे देना है, बुक्स में कैसे इफेक्ट दोगे इसका, आपको कैसे बताओगे अगर आपको जब तक जर्नल एंट्री नहीं आएगी। तो हम लोग हर टॉपिक की जर्नल एंट्री तो कंपलसरी आपको करना ही करना है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे जो टॉपिक करेंगे सिंगल एंटिटी कंसोलिडेशन, उसमें जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, हर एक एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री पास करके दिखाएंगे आप, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट करना है और आपको एडजस्टमेंट बुक्स के अंदर देना है। वो एडजस्ट कहाँ करोगे, बुक्स के अंदर एडजस्टमेंट करना है आपको। अगर आपके अंदर बुक्स के अंदर आपको एडजस्टमेंट करना है तो कैसे करोगे एडजस्टमेंट, बिना अकाउंटिंग एंट्री के तो कर नहीं पाओगे। तो अकाउंटिंग एंट्री इज मस्ट और बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। तो हम लोग हर टॉपिक की अकाउंटिंग एंट्री अकाउंटिंग इफेक्ट जरूर समझेंगे। इवन हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे बुक में भी निकल ही नहीं दिया हुआ है, लेकिन पेपर में पूछा हुआ है, काफी आपको दिखाएंगे, पास पेपर जब सॉल्व करेंगे आपको दिखाएंगे कि देखो यहाँ पे पूछा है अकाउंटिंग इफेक्ट पूछा हुआ है, आपके बुक में कहीं पे भी नहीं है, हम लोग ने किया इसलिए हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। हम लोग जब सिंगल एंटिटी करेंगे, सिंगल एंटिटी में एडजस्टमेंट होती है। अब सिंगल एंटिटी का हम थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, अगर आपने देखा होगा क्लास ट्वेल्थ में हम लोग क्या करते थे, आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता था, ट्रायल बैलेंस के साथ आपको नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट दी होती थी, उस ट्रायल बैलेंस को उस एडजस्टमेंट को यूज करके सर सिंगल एंटिटी इज विच चैप्टर, बट सिंगल एंटिटी का कोई ऐसा यहाँ पे जो चैप्टर दिया हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया हुआ है सिंगल एंटिटी का चैप्टर नंबर वन में, चैप्टर वन में इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिश अकाउंटिंग के अंदर है सिंगल एंटिटी। लेकिन यहां से हम चैप्टर वन से नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि चैप्टर नंबर वन में जो है ना वो क्वेश्चन जो दिए हैं बहुत सिंपल टाइप के दिए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे पास्ट पेपर से, हम लोग क्वेश्चन करेंगे एग्जाम किट से। एग्जाम किट में अप्रॉक्सीमेटली 25-20 के आसपास क्वेश्चन है सिंगल एंटिटी के। सिंगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज है सिंगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। सिंगल एंटिटी का मतलब होता है क्लास ट्वेल्थ आपको ना याद करो, क्लास ट्वेल्थ हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया होता था और नीचे एडजस्टमेंट दी होती थी, उस ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को यूज करके हम लोग को पीएल और बैलेंस शीट बनाना होता था, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता था और बैलेंस शीट बनाना होता था। सेम है बस यहाँ पे, यह भी सेम है, बस हम लोग को यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दी गई होंगी वो कौन सी एडजस्टमेंट होगी, आईएएस और आईएफआरएस की एडजस्टमेंट होगी। अगर आपको आईएएस और आईएफआरएस आते होंगे तो आप एडजस्टमेंट कर पाओगे। वहां पे हम लोग क्लास ट्वेल्थ में जो हम लोग नीचे एडजस्टमेंट करते थे बहुत सिंपल टाइप की होती थी एडजस्टमेंट, तो हम लोग इजिली कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट होंगी, वो कैसी एडजस्टमेंट होंगी, वो एडजस्टमेंट होंगी हमारी आईएएस और आईएफआरएस रिलेटेड। तो आपको अगर आईएएस और आईएफआरएस की नॉलेज होगी तो ही आप क्या बना पाओगे, पीएल और बैलेंस शीट बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। और जो एडजस्टमेंट्स होंगी उसको क्या करना पड़ेगा आपको, तो आप इमेजिन करो, हम आपको सिर्फ इमेजिन कराना चाह रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफआर, कितना इंपॉर्टेंट है आईएएस और आईएफआरएस करना। ट्रायल बैलेंस के थ्रू, ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया, प्रैक्टिकल बड़ी बात करते हैं, ट्रायल बैलेंस दिया गया ऑब्वियसली वो ट्रायल बैलेंस को यूज, जो ट्रायल बैलेंस दिया गया उसके बेसिस पे आपकी पीएल और बैलेंस शीट बनी होगी। अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, आपने सिंपल जैसे में टैली भी अगर आपने यूज किया होगा, तो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना उसमें ट्रायल बैलेंस और पीएल बैलेंस ऑलरेडी बना होगा उसके अंदर सर। तो क्या नहीं होता है, उसकी जो एडजस्टमेंट होती है ना वो नहीं होती है, नीचे जो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस नीचे होती है एडजस्टमेंट वो नहीं दी गई होती है, वो एडिशनली आपको बुक्स के अंदर उसका इफेक्ट देना होता है, बुक्स के अंदर नीचे एडजस्टमेंट उसका इफेक्ट देना होता है और नई बैलेंस शीट और पीएल बनाना होता है। प्रैक्टिकल बड़ी बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक एडजस्टमेंट उठानी है, उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना, अकाउंटिंग इफेक्ट देना है। प्रैक्टिकल वर्ड में ये एडजस्टमेंट है, इसका अकाउंटिंग इफेक्ट। अकाउंटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कैसे अकाउंटिंग इफेक्ट दोगे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, जर्नल एंट्री के थ्रू। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती है तो आप कैसे अकाउंटिंग इफेक्ट दे पाओगे, नई बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, ठीक है। तो आपको जैसे ओवरव्यू देते हैं थोड़ा सा, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जर्नल एंट्री क्यों पढ़ा रहे हो, जर्नल एंट्री सिर्फ इसलिए पढ़नी है हम लोगों को ताकि हम लोग प्रैक्टिकल वर्ड में आके काम कर पाए। पिछले 12 इयर्स से हम डेली सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री बनाते हैं। मेरे लिए अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने का मतलब है सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री। अगर आपका अकाउंटिंग एंट्री करना आता है तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में जाकर के भी आप क्या कर सकते हो, आप अकाउंटिंग अकाउंट डिपार्टमेंट संभाल सकते हो। तो यहाँ पे मान लो सपोज आपको यहाँ पे कोई आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ट्रायल बैलेंस दिया गया, नीचे एडजस्टमेंट दी गई है, नीचे एडजस्टमेंट दी गई है,
तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपके शॉर्ट वर्ड में प्रैक्टिकल वर्ड बात कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे पीएल तो ऑलरेडी बना होगा, ठीक है, बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी होगी। अब इस पीएल और बैलेंस शीट में क्या नहीं होगा, ये एडजस्टमेंट नहीं होगी, और आपको नया पीएल, न्यू पीएल, नया बैलेंस शीट बनाना है इस एडजस्टमेंट करने के बाद में। ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है, इसके बेसिस पे ऑलरेडी पीएल और बैलेंस शीट बना होगा प्रैक्टिकल वर्ड में। अब यहां पे एडजस्टमेंट को इनपुट करके, एडजस्टमेंट डाल करके नया पीएल और नया बैलेंस शीट बनाना है आपको। कैसे बनाओगे इस एडजस्टमेंट को, उस सॉफ्टवेयर के अंदर डालना पड़ेगा। सर डालेंगे कैसे, जर्नल एंट्री, जर्नल के थ्रू। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं बनानी आती तो नया पीएल नया बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे, प्रैक्टिकल वर्ड की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सेम हम लोग यहाँ पे करना है सिंगल एंट्री के अंदर। हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा, एडजस्टमेंट दी गई होगी, हम लोग को ये पुराना पीएल पुराना बैलेंस शीट नहीं दिया गया होगा, गलत पीएल और गलत बैलेंस शीट नहीं दिया गया होगा, हम लोग को यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा, हम लोग को एडजस्टमेंट दिया गया होगा, हम लोग को नया पीएल और नया बैलेंस शीट, अपडेटेड पीएल अपडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, हम लोग एक एक एडजस्टमेंट, जितनी भी एडजस्टमेंट होगी सबकी जर्नल एंट्री बना के दिखाएंगे आप, ठीक है। तो आपको मगअप नहीं करनी पड़ेगी चीजें, अगर आपको बस ये आपको पता, आपने आप एडजस्टमेंट पढ़ते जा रहे हो, एडजस्टमेंट पढ़ते जा रहे हो, उसकी जर्नल एंट्री पास करते जा रहे हो, उस अकाउंटिंग इफेक्ट, उस जर्नल एंट्री का इफेक्ट देना आपको, बस खत्म। तो आपको कभी भी कोई चीज मगअप नहीं करनी पड़ेगी। सेम हम लोग कंसोलिडेशन में करेंगे, हर एक चीज की जर्नल एंट्री बना के दिखाएंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन करते हैं, पिछले 7 साल 8 साल से कंसोलिडेशन कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों का, हमें पता है कंसोलिडेशन कैसे होता है। अगर आपको जर्नल एंट्री बनानी नहीं आती, कंसोलिडेशन नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। हम मैनुअल कंसोलिडेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो आप सॉफ्टवेयर के अंदर जो कंसोलिडेशन करते हो, ठीक है। तो कंसोलिडेशन कैसे करते हैं, केवल जर्नल एंट्री बनानी आनी चाहिए आपको, तो जो अकाउंटिंग इफेक्ट होता है वो आपको देना आना चाहिए। तो हर एक एडजस्टमेंट का, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग कंसोलिडेशन करेंगे, वहां पे भी एडजस्टमेंट्स होंगी, क्योंकि कंसोलिडेशन करते टाइम पे हम लोग को जो IFRS लगता है, IFRS 3 वो लगता है वहां पे। तो IFRS 3 क्या बताता है, बहुत सारी एडजस्टमेंट बताता है, वो एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है हम लोग को प्रैक्टिकल वर्ड में। इवन हम लोग को यहाँ बनानी पड़ेगी, हमारे कोर्स में भी है, ठीक है। तो आपके कोर्स में ये नहीं है कि जर्नल एंट्री बना के दिखाओ, लेकिन हमको बनानी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि ताकि आपका प्रैक्टिकल वर्ड में भी एक काम कर पाओ और आप कंसेप्ट भी समझ पाओ। हम आपको मगअप नहीं कराना चाहते कोई भी चीज को, 1% चीज को मगअप नहीं कराएंगे। जहां भी आपको लगे कि सर ये चीज आपको आपको बोल रहे हो, आप समझा नहीं रहे हो, सर आपने बोल तो दिया इस लाइन को लेकिन आपने समझाया नहीं ये लाइन आई क्यों, क्योंकि हर एक लाइन का मतलब है। IFRS और IAS के अंदर कोई भी लाइन पढ़ोगे ना, हर एक लाइन का मतलब है, लॉजिक है उसके पीछे। कोई भी लाइन इलॉजिकल नहीं लिखी हुई है, कोई भी लाइन ऐसी नहीं लिखी है कि हमने बोल दिया और आप मान लो, कोई भी लाइन ऐसी नहीं है, हर एक लाइन का मतलब है। अगर हम आपको एक लाइन पढ़ा रहे हैं और आप बोलो कि सर इसका मतलब आपने नहीं बताया, ठीक है ना, वो चीज नहीं है। आपको एक लाइन का मतलब समझना चाहिए, वो लाइन लिखी क्यों है, हर एक लाइन का रीजन है लिखने के पीछे, ठीक है। तो हम लोग को रीजन भी समझना है, इसीलिए जब भी हम लोग कोई भी IAS स्टार्ट करेंगे तो IAS स्टार्ट करने से पहले ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। ओवरव्यू जब तक नहीं समझ आएगा ना, तब तक चैप्टर समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं, तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 4 IAS कर रहे हैं, फिर इंटेंजिबल एसेट्स है चैप्टर नंबर 3 है, इसके ऊपर जो IAS 38 है। जैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स के बारे में, चैप्टर नंबर 2 क्या है, टेंजिबल। तो दो टाइप की एसेट्स होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। जो नॉन करेंट एसेट्स होती है, हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी देखेंगे, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जो नॉन करेंट एसेट्स होती है उसके दो एसेट्स होती है, उसके अंदर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर दो एसेट्स होते हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल। इनटेंजिबल की अकाउंटिंग कौन बताता है, इनटेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है। तो इस टाइप की जो एसेट्स होती हैं, इसे बोलते हैं इनटेंजिबल, जिसको हम लोग छू नहीं सकते। तो क्लास वाइज में हमने देखा होगा, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, दैट्स कॉल्ड द इनटेंजिबल एसेट्स। कौन से हेड में आते हैं, नॉन करेंट एसेट्स में। सर नॉन करेंट एसेट में क्यों आता है, करंट एसेट में क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन है, सर उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। जैसे हमारे सपोज हमने पेटेंट खरीदा, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, हमने कोई कॉपीराइट खरीदा, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। जैसे IAS है, IAS 38, तो क्या बताएगा, अकाउंटिंग बताएगा कि इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे करनी है। चैप्टर नंबर 4 है इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। सर इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है, तो इंपेयरमेंट का मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं IAS और IFRS के अंदर जो हम लोग को बहुत बेसिक सी चीजें हैं, जो हम लोग को पूरा आई जब स्टार्ट करेंगे, जैसे हम आपको बात बताएंगे, जब पहले दिन स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे कि जो IAS और IFRS करने हैं हमारे कोर्स में जो है, वो 4 चीजों के बारे में बात करेगा। या तो एसेट्स के बारे में बात करेगा,
कि एसेट्स अकाउंटिंग ऐसे करनी है, या वो लायबिलिटी के बारे में बात करेगा, या वो इनकम के बारे में बात करेगा, या वो एक्सपेंसेस के बारे में बात करेगा। जैसे आईएएस जैसे चैप्टर नंबर 2 है, वो किसके बारे में बात कर रहा है? एसेट्स की अकाउंटिंग, कि एसेट्स कैसे की, एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे की जाए। जैसे चैप्टर नंबर 3 इंटेंजिबल एसेट्स, आपका नाम समझ आ रहा है, एसेट्स की अकाउंटिंग है, एसेट्स के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि चैप्टर जो हम लोग करेंगे ना, तो वो किसके बारे में, किस टॉपिक के बारे में है, वो एसेट्स के बारे में बात कर रहा है, लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, किस प्रोस्पेक्टिव से चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। जैसे हम लोग जब चैप्टर नंबर 2 करेंगे, तो जैसे प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट है, तो हम लोग को क्या बनना पड़ेगा, हम लोग को परचेजर, हम लोग के पास क्या है, हम लोग को एक ऐसी एंटिटी बननी पड़ेगी जिसके पास मेंबर एसेट्स हैं। तो हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स हैं, अगेन हम लोग पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे? इंपेयरमेंट एसेट्स, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, तो हम लोग किस बारे में बात करेंगे कि हमारे पास एसेट्स है और उस एसेट का इंपेयरमेंट हो रहा है। सर इंपेयरमेंट का मतलब क्या है? इंपेयरमेंट का मतलब होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इंपेयरमेंट मतलब क्या होता है, दो चीज होती है हमारे पास, होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है इंपेयरमेंट। डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? हम लोग अगर एसेट्स को यूज कर रहे हैं और वैल्यू गिर रही है तो क्या लगता है डेप्रिसिएशन? मान लो सपोज हमारे पास 1,00,000 रुपीज के एसेट्स है, हम लोग 10,000 के एसेट्स यूज कर ली, तो 10,000 की वैल्यू गिर गई एसेट्स की, तो दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लेकिन इंपेयरमेंट मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने उस एसेट को यूज भी नहीं किया, या फिर जो यूज किया है हम लोगों ने केवल 10,000 का यूज किया एसेट्स को, जबकि उसकी वैल्यू 20,000 गिर गई, 20,000 गिर गई, जो एडिशनल 10,000 गिर गई वैल्यू, दैट्स कॉल्ड द इंपेयरमेंट। या हमने एसेट को यूज भी नहीं किया और एसेट की वैल्यू गिरती चली जा रही है, उसको बोलते हैं इंपेयरमेंट। तो जो एसेट की वैल्यू गिरती है, दो वजह से गिरती है, पहला डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने यूज किया है तो डेप्रिसिएशन, और यूज भी नहीं किया और फिर भी एसेट की वैल्यू गिर रही है, दैट्स कॉल्ड द इंपेयरमेंट। हालांकि इतना सिंपल नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये मतलब होता है इंपेयरमेंट का। बहुत इंटरेस्टिंग आईएएस आईएएस 36 है इसके बारे में, इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अगर एसेट की वैल्यू गिर रही है, हम लोग ने एसेट की वैल्यू गिरी 20,000 से, हमने जबकि यूज किया केवल 15,000 का, जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा गिर गई वैल्यू, दैट्स कॉल्ड द इंपेयरमेंट। अब इंपेयरमेंट की अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 5 है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग आईएएस है, दैट्स द आईएफआरएस 5। क्या बात करते हैं आईएफआरएस 5, किसके बारे में बात करता है आईएफआरएस 5? बात करता है दो चीजों के बारे में, एक होता है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। पहले बात करते हैं नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के बारे में। तो जब भी हम ये आईएएस पढ़ते हैं ना, तो हमारे माइंड में आता है आपके घर में तो एक स्टोर रूम होता होगा, या कोई फैक्ट्री की इमेजिन करो, फैक्ट्री में एक बैकयार्ड होता है जहां पे पुरानी एसेट्स रखी रहती है। तो हमारे पास मान लो सपोज हमने एक, हम घर की बात करते हैं अपने, मेरे पास एक 20-43 इंच का टीवी लगा हुआ था घर पे। अब उस टीवी को एक दिन मेरा मन हुआ कि हम उस 43 इंच का टीवी को यूज नहीं करेंगे, हम एक नया टीवी खरीद लेंगे 65 इंच का। तो हमने क्या किया, 43 इंच के टीवी को निकाल करके स्टोर रूम में रख दिया और 65 इंच का टीवी हम लोग लेके आए अभी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो 43 इंच का टीवी हमारे स्टोर रूम में रखा हुआ है, वो क्यों रखा हुआ है? वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब कोई बायर मिलेगा तभी तो बेचेंगे। अब 31 दिसंबर आ गए, बैलेंस शीट की डेट आ गई, लेकिन वो बिका ही नहीं हुआ एसेट्स। अभी प्रॉब्लम यह है कि वो उस एसेट को यूज भी नहीं कर रहे हैं, वो जो स्टोर रूम में एसेट्स रखा हुआ है वो उसको हमें यूज भी नहीं कर रहे हैं, वो रखा ही हुआ है सिर्फ। अब वो मेरी एसेट्स है, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाए, उसको कहां बैलेंस शीट में कैसे दिखाए, इसलिए आईएफआरएस है, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है। रिपोर्ट कैसे करें उसको, उसकी अकाउंटिंग थोड़ी ना सीखेंगे हम लोग, उसको अपने बैलेंस शीट में किस तरह से रिपोर्ट करना है। वो एसेट जिसको लोग यूज नहीं कर रहे हैं, वो एसेट जो बिकने के लिए रखी हुई है, जिसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, अगर यूज कर रहे होते तो हम लोग क्या होता है, मान लो कोई प्लांट है मेरे पास, अभी हमारे पास थोड़े टाइम पहले हमारे पास एक प्लांट था, हमारे पास जो हम जिस कंपनी के साथ हम लोग काम करते हैं, उस कंपनी के प्लांट थे काफी बड़े बड़े, अब हम लोग को रिप्लेस करना है करंट ईयर में उसको। तो हम लोग ने क्या करा, पुराना प्लांट उठाया और उसको बैकयार्ड में रख दिया और नया प्लांट हमने खरीद लिए। जो पुराने प्लांट थे अभी बिके नहीं है बैलेंस शीट रेट पर। अब उस प्लांट की अकाउंटिंग, उस प्लांट को कैसे दिखाएं, जो पुराने प्लांट है जो मैं बैकयार्ड में रखे हुए, उसको किस तरह से दिखाएं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। किस तरह से रिपोर्ट करना है, उसको किस तरह से दिखाएं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि अगर हमने पूरा पूरा बिजनेस उठा के बेचने की बात करें, हम लोग कोई एक एसेट की बात नहीं कर रहे, मान लो सपोज हमारे पास में 3 बिजनेसेस हैं,
मेरा एक आयरन का बिजनेस है, एक टेक्सटाइल का बिजनेस है, प्लास्टिक का बिजनेस है। हम क्या सोच रहे हैं, मतलब आयरन का बिजनेस को बेच रहे हैं, उस आयरन के बिजनेस की एसेट्स को नहीं, पूरे पूरे बिजनेस को बेच देंगे। दैट्स कॉल्ड अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो हमने करंट ईयर में सोचा तो है आयरन के बिजनेस को बेच देंगे, अभी बिका तो है नहीं, तो उसको रिकॉर्ड कैसे किया, किस तरह से दिखाया उस बिजनेस को, उसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर सेवन है, देयर इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, ये हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। चैप्टर नंबर सिक्स और सेवन क्यों करेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि इस एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास में, रेगुलेशंस में हम लोग फ्रेमवर्क में हमारे पास क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फ्रेमवर्क किसके बारे में बात करता है, फ्रेमवर्क बेसिकली बात करता है हम लोग का कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है, मान लो सपोज प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट खरीदा, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदा, उसके ऊपर आपके पास आईएएस दिए हैं, तो उसकी अकाउंटिंग ऐसे करनी हम लोग को पता है, क्योंकि उसके आईएएस है, उसके आईएफआरएस है, हमको पता है उसकी अकाउंटिंग ऐसे करनी है। लेकिन उन ट्रांजेक्शन्स का क्या जिसके ऊपर कोई आईएएस नहीं है, जैसे हमने सपोज कोई गोल्ड खरीदा, हमने गोल्ड, मेरी मेरी कंपनी ने अभी गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ थोड़े टाइम पहले, अब उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए, गोल्ड की अकाउंटिंग कैसे, क्रिप्टो करेंसी मतलब हमने खरीदा, क्रिप्टो में हमने इन्वेस्टमेंट किया, अब उस क्रिप्टो करेंसी का अकाउंटिंग कैसे की जाए। सर उसके ऊपर कोई आईएएस ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सर उसके ऊपर कोई आईएफआरएस ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर कोई आईएएस और आईएफआरएस है ही नहीं, अब हम डायलेमा में है उसकी अकाउंटिंग ऐसे करें, तो जिसका कोई नहीं होता उसको कौन होता है, फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क बताएगा कि उसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाएगी। तो पहले में ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ऐसे हैं। क्रिप्टो कैन बी अकाउंटेड एज कैपिटल गेन, क्रिप्टो कैन बी अकाउंटेड, नहीं बेटा रामचंद्र क्या पूछ रहे बेटा, समझ में नहीं आया क्वेश्चन, समझ में नहीं आया, क्रिप्टो कैन बी अकाउंटेड इन कैपिटल गेन। नहीं सर, जैसे आपने बोला ना कि क्रिप्टो की अकाउंटिंग का हम करेंगे, तो क्रिप्टो को सर अपन कैपिटल गेन पे शो कर सकते हैं क्या, कैपिटल गेन क्या, टैक्सेशन के बारे में बात करो, शायद क्लियर नहीं है मुझे। कैपिटल गेन इज अ टैक्सेशन टॉपिक बेसिकली। हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि हमने मान लो क्रिप्टो खरीदा, अब क्रिप्टो की अकाउंटिंग, क्रिप्टो की अगर पैसा हमने लगाया, मान लो सपोज $1 million लगा दिया हमने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया, अब जब हमने पैसा लगाओगे, मान लो सपोज हमने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पैसे लगाया, हमने इंटेंजिबल एसेट खरीदा, तो हमको पता है अकाउंटिंग कैसे करेंगे। लेकिन आपने गोल्ड में पैसा लगाया, गोल्ड आपने खरीद लिया $1 million का, अब जिस दिन आपने खरीदा है तो आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी ना कोई, आपको अकाउंटिंग इफेक्ट देना पड़ेगा ना, क्या अकाउंटिंग इफेक्ट कैसे दोगे, उसके बारे में कोई आईएएस कोई आईएफआरएस नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। कैपिटल गेन तो तब लगता है जब बेटा वो एसेट्स बेचते हो आप, कैपिटल गेन इज अ टैक्सेशन टॉपिक। हमने कोई एसेट खरीदा, अब वो एसेट्स खरीदे, मान लो हमने $1 million का खरीदा, उसको हमने $2 million का बेच दिया, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल गेन इज अ टैक्सेशन टॉपिक। जो गेन हुआ है हमको, $1 million का खरीदा, $1.5 million का बेच दिया हम लोगों ने, $0.5 million का गेन हो गया, जो $0.5 million का गेन हुआ है हमको, उस गेन के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, दैट्स कॉल्ड द कैपिटल गेन टैक्स। समझ में आया ये था सर, ठीक। लेकिन हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि एक सेकंड, हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, तो जैसे हम बात करी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो क्रिप्टो करेंसी की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, इसके ऊपर कोई आईएएस नहीं है, गोल्ड की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, उसके ऊपर कोई आईएएस नहीं है, तो उसके अकाउंट कौन बताएगा, उसके अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बताता है बेसिकली, ठीक है। तो जिसके ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, उसके अकाउंटिंग इस तरह से करेंगे फ्रेमवर्क, इसीलिए हम लोग फ्रेमवर्क को सबसे लास्ट में रखेंगे, ठीक है, फ्रेमवर्क को सबसे लास्ट में रखेंगे इसलिए क्योंकि पहले हमको ये समझना पड़ेगा कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर अकाउंटिंग करनी है हम लोग को, कौन कौन से ऐसी टॉपिक्स है जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल है, जिसके ऊपर आईएएस और एफआरएस अवेलेबल है। तो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अवेलेबल है, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर अवेलेबल है, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर अवेलेबल है, लीज के ऊपर अवेलेबल है, तो कौन से टॉपिक ऐसे जिसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए सबसे चैप्टर नंबर 6 और 7 सबसे लास्ट में करते हैं अपने। फिर अदर स्टैंडर्ड आते हैं, अदर स्टैंडर्ड में मेरे पास 4 आईएएस है, ठीक है, कौन कौन से आईएएस है वो हम लोग को समझने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग पास एक आईएएस है, IAS 41 एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर एसेट्स है हमारे पास, एग्रीकल्चर एसेट्स, सर आपने एग्रीकल्चर एसेट्स क्या होता है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर एसेट्स IAS 41 है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर अभी तक कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आया था। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर दो चीजें कवर होती हैं, क्या क्या कवर होता है सर, एक होता है हमारे पास में प्लांट, बियर और प्लांट,
एक होता है लिविंग एनिमल, ठीक है, बियरर प्लांट और लिविंग एनिमल, दो चीजें कवर होती हैं, ठीक है। अब होता है बायोलॉजिकल एसेट्स, तो बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट के अंदर दो चीजें कवर होती है, एक होता है बियरर प्लांट और दूसरा होता है लिविंग प्लांट, लिविंग प्लांट एंड बायोलॉजिकल लिविंग एनिमल्स, सॉरी। अब प्लांट के अंदर भी दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल प्लांट, एक होता है बियरर प्लांट। बायोलॉजिकल प्लांट का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल प्लांट का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि कभी आपने देखा भी होगा कि राइस का जो प्लांट होता है, ये जो वीट का प्लांट होता है, उसको वीट को हार्वेस्ट करने के लिए, हमें वीट को अगर निकालना है, वीट को हार्वेस्ट करना है, तो पूरा पूरा प्लांट हार्वेस्ट करना पड़ता है, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल प्लांट, ठीक है। दूसरा होता है बियरर प्लांट, बियरर प्लांट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जैसे मैंगो ट्री, ठीक है, हम लोग बात करें गुआवा ट्री, तो अगर वो गुआवा को हार्वेस्ट करना है तो आपको पूरे पूरे प्लांट ही काटने की जरूरत नहीं है, आपको मैंगो को हार्वेस्ट करना है तो आपको पूरे पूरे ट्री को काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमें पूरा पूरा केवल जो मैंगो हो गया या जो भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको हार्वेस्ट करना है तो हमें पूरे पूरे प्लांट को काटने की जरूरत नहीं है, उसे बोलते हैं बियरर प्लांट। अब बियरर प्लांट की अकाउंटिंग ऐसी होती है, बियरर प्लांट की अकाउंटिंग करते हैं हम लोग आईए 16 में। और जो बायोलॉजिकल प्लांट होते हैं, तो बायोलॉजिकल प्लांट मतलब होता है जैसे वीट का प्लांट, जैसे राइस का प्लांट, उसको हार्वेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे पूरे प्लांट को काटना पड़ता है, उसकी अकाउंटिंग होती है आईए 41 में होती है। उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। लिविंग एनिमल्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, लिविंग एनिमल में भी दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। अब ये नहीं कि सारे एनिमल्स को हम लोग कवर कर लेंगे, एनिमल्स दो टाइप के कवर होंगे। अगर एनिमल्स को हार्वेस्ट किया है, हार्वेस्ट करने के पर्पज से हम लोगों ने खरीदा है एनिमल्स को, या फिर एनिमल को हमने ब्रीडिंग पर्पज के लिए खरीदा है, तो ही आई 41 में कवर होंगे। अगर हर एनिमल को कवर नहीं कर लेंगे, अब मान लो सपोज कोई एनिमल है, उसको हमने हार्वेस्ट करने पर्पज से नहीं खरीदा, ये जैसे सर्कस के जो आपने देखे होंगे, मान लो मेरा कोई बिजनेस है, सर्कस का बिजनेस है, अब सर्कस के बिजनेस के लिए आपको एनिमल्स की जरूरत पड़ेगी, अब जो एनिमल्स होंगे वो किस पर्पज के लिए, वो बिजनेस पर्पज के लिए, उसकी अकाउंटिंग अलग होगी, अलग तरीके से होगी। मान लो सपोज हमने कोई डॉग खरीदे, अब जो डॉग खरीदे हैं हमने, वो किस पर्पज से खरीदे, क्या वो हार्वेस्ट करने पर्पज से खरीदे या ब्रीडिंग पर्पज से खरीदे डॉग्स। कई बार हम लोग जो डॉग खरीदते हैं, मेरा पर्पज क्या होता है, उसको ब्रीडिंग पर्पज के लिए, उसके पपीज होंगे तो आगे बेचेंगे हम लोग, उसकी अकाउंटिंग होगा IAS 41 में करेंगे। लेकिन मान लो सपोज हमने डॉग्स खरीदे हैं, किस पर्पज से खरीदे, हमने पर्पज है मेरा क्या, मेरा पर्पज है सिक्योरिटी। मान लो अभी मेरे जो क्लाइंट है, एक हमारे क्लाइंट है, उन्होंने डॉग्स खरीदे हैं, उन्होंने US से कुछ डॉग्स मंगवाए हैं 3 लाख रुपीज के डॉग्स, वो क्या पर्पज क्या उनका, पर्पज ये है कि वो डॉग को वो लोग क्या करते हैं, वो चार डॉग्स को वो लोग ओपन एरिया में छोड़ देते हैं, फैक्ट्री एरिया में रात को, तो उनका मेन पर्पज क्या है, सिक्योरिटी पर्पज, कि रात में उनको क्या करते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली वो डील करेंगे, ठीक है। तो वो जो पर्पस है वो क्या हो गया, सिक्योरिटी पर्पस। अब सिक्योरिटी पर्पस हो गया तो IAS 41 में कवर नहीं हो रहा है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है, उसकी अकाउंटिंग IAS 16 होती है, हम लोग देखेंगे डेप्थ में। अभी तो आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं कि अकाउंटिंग कैसे चेंज हो रही है, हम वो बताना चाहते हैं आपको। आप अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इन टॉपिक्स के साथ नहीं चले और आपने नहीं समझा चीजों को, तो आप कितने पीछे रह जाओगे, हम ये बताना चाहते हैं बस आपको। आज की डेट में अकाउंटिंग वर्ड कैसे चेंज हो रहा है, हमको आपको बताना चाह रहे हैं, आपको उसको उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है। सिर्फ बुक्स पढ़ के कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते आप उसको, कि आपने बुक पढ़ लिया आप सिर्फ पास हो गए, दैट इज नॉट द, ये मोटिव ही नहीं है हमारा। हमारा मोटिव ये कि आप चीजों को समझो। अभी हमारे क्लाइंट है, उन्होंने बर्ड्स खरीदी, बर्ड्स कहां से, US से उन्होंने बर्ड्स मंगाई हैं, फिर UK से बर्ड्स मंगाई हैं, जो पैरट टाइप को होते हैं ना, कलरफुल बर्ड्स, किस पर्पज से मंगाई है, उन्होंने पर्पज डेकोरेशन पर्पज है बेसिकली। उन्होंने अभी बिल्ड एक अपना एक गेस्ट हाउस बनवाया, उस गेस्ट हाउस में एक गार्डन एरिया में लगाने के लिए बर्ड्स मंगवाई हैं। अब बर्ड्स है, एनिमल है, आप तो बोलोगे सर IAS 41 लगेगा, जहां भी एनिमल की बात होती है IAS 41 नहीं लग जाता, एग्रीकल्चर नहीं लग जाता उसके ऊपर, उसका पर्पज क्या को देखना पड़ेगा। क्योंकि जो भी जितने भी एसेट्स हैं, नॉन करेंट एसेट बहुत जगह है, नॉन करेंट एसेट्स हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट नॉन करेंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन करेंट एसेट्स है,
इंटेंजिबल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स है, एग्रीकल्चर के अंदर जो हमने पढ़ रहे हैं एनिमल्स और नॉन करंट एसेट्स हैं, बहुत जगह नॉन करंट एसेट्स पढ़ने वाले हम लोग। तो नॉन करंट एसेट्स कब अकाउंटिंग के लिए अलग अलग आईएसएस हैं, वो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि नॉन करंट एसेट्स अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इस ये नॉन करंट एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, यूज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डॉल्फिन है, अब डॉल्फिन को आपने खरीदा तो किस पर्पज से खरीदा है, मेरा पर्पज क्या है कि उसको हम लोग शो रखेंगे, उसके ऊपर डॉल्फिन डांस दिखाएंगे, अब उसकी अकाउंटिंग कैसे की जानी चाहिए। सर आईएस 41 में नहीं, आईएस 41 में हम लोग क्या बोला, दो पर्पज होंगे एनिमल के, या तो हार्वेस्ट खरीदेंगे उसको हार्वेस्ट कर देंगे, वो भी पर्पज नहीं है, या फिर दूसरा पर्पज क्या है उसको उसको ब्रीडिंग पर्पज के लिए यूज करना, वो भी पर्पज नहीं है। पर्पज क्या है यहाँ पे, शो करना। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं उसको, एडमिन पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं उसको, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आईएस 16 में अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, खैर आगे चलेंगे हम लोग करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिर है फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी। अभी क्या होता है फाइनेंशियल, तब ये चीज बिल्कुल नहीं है फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो आपने जैसे प्रैक्टिकल वर्ड में पहले हम लोग क्या करते थे, हमने अगर किसी को गुड्स बेचे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते थे पहले पहले के टाइम पे। अभी डेटर्स को डेटर्स नहीं बोलते प्रैक्टिकल वर्ड में, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होंगे। हमने किसी को लोन दिया है तो हम लोग अपने बैलेंस शीट में कैसे दिखाते थे, लोन गिवन, लेकिन अब लोन गिवन नहीं दिखाते, दैट्स कॉल्ड अ फाइनेंशियल एसेट, वो मेरी क्या है फाइनेंशियल एसेट्स है। ठीक है, हमने मेरी इन्वेंट्री, मेरे सुपर में कैश रखा हुआ है, पहले लोग क्या बोलते थे, कैश इन हैंड बोलते थे उसको, अब वो कैश इन हैंड नहीं है, हम लोग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड नहीं दिखाते, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स है मेरे को। हमने किसी से गुड्स खरीदे हैं, पहले हम लोग क्या बोलते थे, क्रेडिटर्स बोलते थे उसको, ट्रेड क्रेडिटर्स। अभी ट्रेड क्रेडिटर्स वर्ड जैसे यूज ही नहीं होता, वर्ड ही नहीं यूज होता ट्रेड क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट में आप कभी जो कभी भी आप फाइनेंशियल, आप आईएफआरएस और आईएस से बनी हुई बैलेंस शीट देखोगे ना, उसमें ना कभी कभी भी आपको क्रेडिटर्स डेटर्स से वर्ड देखने को नहीं मिलेंगे, इवन कैश भी नहीं देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या इसको यूज करते हैं, क्रेडिटर्स को क्या यूज करते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी है मेरी। हमने किसी से लोन लिया, बैंक से लोन लिया हम लोग, तो पहले क्या दिखाते, बैंक लोन दिखाते थे, अब बैंक लोन को बैंक लोन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी बोलते हैं। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है उसके ऊपर है पूरा आईएफआरएस 9 है इसके ऊपर। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग को तीन आईएस करने हैं, आईएस 32 करना है, आईएफआरएस 9 करना है और आईएफआरएस 7 करना है, तीन आईएस करने हैं हम लोग, तीन टॉपिक करने हैं। तो आप खुद सोचो कि डेटर्स की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, क्रेडिटर्स की अकाउंटिंग कैसे करें, कैसे शो करें डेटर्स क्रेडिटर्स को, बैंक लोन हमने लिया है तो कैसे शो करेंगे उसको, है ना। तो उसके बारे में कौन बताएगा, आईएफआरएस 9। ठीक है, तो ये हम लोग आईएफआरएस 9 करेंगे। फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी का आईएस आईएस 21। उस मान लो सपोज हमने कोई एसेट खरीदी, हमने यूएस एसेट खरीदी, हमारी बुक्स कैसे बन रही होंगी, इंडिया में बुक्स कैसे बनाएंगे हम लोग, किस करेंसी में, रुपीज में बना रहे होंगे। अब आपने यूएस से कोई गुड्स खरीदे, यूएस से कोई मशीन खरीदे तो डॉलर में आएगी, सर डॉलर $10,000 तो हम लोग अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लायबिलिटी की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फॉरेन करेंसी में रेवेन्यू हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएएस है रेवेन्यू। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू में क्या है, हमने पहले क्या होता था, हमने गुड्स बेचे, हमने $10,000 के गुड्स बेचे, उसकी अकाउंटिंग कर दी, जिस दिन गुड्स बेचे उस दिन अकाउंटिंग कर दी। अब ये नहीं, यहाँ पे फाइव स्टेप प्रोसेस है, फाइव स्टेप प्रोसेस, वो फाइव स्टेप्स क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि आपने गुड्स बेचे और उस दिन अकाउंटिंग कर दी, कि पहले हम लोग क्या करते थे, $10,000 बेचे, $10,000 के लिए हम लोग क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करते थे, डेटर्स को डेबिट करते थे या कैश को डेबिट करते थे, और हम लोग रेवेन्यू को या सेल्स को क्रेडिट करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब नहीं कर सकते, उसके अकाउंटिंग कैसे करते हैं, अब जरूरत क्या, मेन बात क्या है सर, ये चेंज क्यों हो गया। जब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर यहाँ पे पांच स्टेप दिए हुए, पांच स्टेप फॉलो करके आप आंसर निकाल दो, वो तो निकालना ही है, वो कोई बात ही नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये कन्वर्ट क्यों हो गया, पुराने अकाउंटिंग स्टाइल से नए अकाउंटिंग स्टाइल में क्यों कन्वर्ट हो गए, जो पांच स्टेप आ गए वो आए क्यों है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो करेंगे हम लोग। आईएफआरएस 15 है इसके ऊपर, लीजेस करेंगे हम लोग। आईएफआरएस 16 है,
IFRS 16, पहले मेरे पास IAS 17 हुआ करता था। सर IAS 17 में क्या प्रॉब्लम हो गई? कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, IAS 17 गलत था एक्चुअल में, IAS 17 गलत था। वो सर गलत क्या था वो समझना पड़ेगा हम लोग को, बहुत टाइम नहीं लेंगे आपका। IAS 17 गलत क्यों था? क्योंकि जो चीज आई नहीं हमारे कोर्स में, लेकिन फिर भी आपको चीज समझनी चाहिए कि इसमें IAS 17 में क्या प्रॉब्लम थी कि IFRS 16 लेके आने पड़ा हम लोग को लीजेस के लिए। सर लीज की अकाउंटिंग करनी क्यों है, क्या जरूरत है लीज के अकाउंटिंग के लिए, वो भी हम लोग को समझना है। फिर हम लोग को देखना है टैक्सेशन के बारे में, ठीक है, डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में हम लोग देखेंगे, ये क्या होता है, उसके अकाउंटिंग कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल वर्ड की तरह अकाउंटिंग। एक दो तरीके होते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने के, एक होता है कि बुक में जो लिखा हुआ सिर्फ वो पढ़ लो, एक तरीका होता है कि बुक में जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ना ही है, उसको ओवर एंड अबव जाकर के भी हम लोग को पढ़ना पड़ती चीजें, ताकि आपको उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिक कंसेप्ट कैसे क्लियर होना है, ठीक है। खैर, अर्निंग पर शेयर IAS 33 है, अर्निंग पर शेयर किस कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन सी कंपनी जिनके ऊपर IAS 33 लगता है, IAS 37, IAS 10, IAS 37 क्या है, प्रोविजन के बारे में बताता है कि हम लोग कौन कौन सी चीजों का प्रोविजन बनाते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है हम लोग को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको समझ आ रहा होगा, IAS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या बताएगा अकाउंटिंग, किसका अकाउंटिंग, प्रोविजन की अकाउंटिंग, कब करना बनाना है प्रोविजन, कितने अमाउंट को बनाना है प्रोविजन, ये समझना है हम लोग को। IAS 10 क्या है, IAS 10 इज अ बेसिकली कोई जो टॉपिक है, कोई भी, कई बार होता है कि हम लोग कोई 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बना रहे हैं या 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बना रहे हैं उससे पहले की जो ट्रांजेक्शन है उसकी अकाउंटिंग करनी है, सिंपल। उससे पहले 31 मार्च या उससे पहले जो भी हमारे पास में अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो गई है उसकी अकाउंटिंग करके आपको बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 31 दिसंबर के बाद भी कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हो जाती है जिसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है हम लोग को 31 मार्च की बैलेंस शीट के अंदर। ट्रांजेक्शन हुई है 10 अप्रैल को, फिर भी उस 10 अप्रैल की अकाउंटिंग, ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग आपको कहां बनानी दिखानी पड़ेगी, 31 मार्च को जो हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं उसके अंदर दिखानी पड़ेगी। सर ऐसा है? हाँ, ठीक है। तो वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है वो हम लोग देखना है, IAS 10 को, इनमें कौन कौन से सिनेरियोस ऐसे हैं जिन सिनेरियोस की अकाउंटिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर है कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये हम लोग देखेंगे। कैश फ्लो के क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो क्वेश्चन नंबर पार्ट ए और पार्ट बी में ही आता है। फिर कंसोलिडेशन, यहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 17, 18, 19, 20 और 21, ये कंसोलिडेशन है। पांच चैप्टर का ग्रुप है बेसिकली, इसको बेसिकली आप 5 चैप्टर मत मानो, एक ही चैप्टर है कंसोलिडेशन, इसको पूरे 5 चैप्टर को एक ब्रैकेट में डालना है। लॉजिकली इनको एक चैप्टर ही बनाना चाहिए था, इन्होंने 5 चैप्टर बना दी लेकिन है एक ही चैप्टर, ठीक है। इसको पूरे टॉपिक को बोलते हैं कंसोलिडेशन। वो कंसोलिडेशन कैसे करते हैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे आपको, आपने इवन इमेज भी नहीं किया होगा कि इस टाइप का कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि मैं पता है प्रैक्टिकल वर्ड में कंसोलिडेशन कैसे होता है। हमें सिर्फ मगअप नहीं करनी उन ट्रांजेक्शन को, हमें मगअप नहीं करना उन एडजस्टमेंट को, हम उन एडजस्टमेंट का अकाउंटिंग इफेक्ट कैसे देना है बुक्स के अंदर वो भी देखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने आपको बोला था, रेशियो, ये कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है रेशियो के अंदर से, ठीक है, हम लोग को देखना है। तो ये बेसिकली हमारे टॉपिक्स हैं, सिंगल एंटिटी हमारे बुक के अंदर, ये इस टॉपिक के अंदर आता है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर था, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिश अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन बेसिकली इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन कहां से हम लोग करेंगे, पास्ट पेपर से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे एग्जाम किट से, जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन उससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक्सेल कीपर पर क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, एक एडजस्टमेंट करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री बना के दिखाएंगे आप, इसकी अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री कैसे बनती है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, यहां तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, यहां तक किसी के माइंड में, रामचंद्र, प्रियंका, कोई माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है प्लीज पूछो। नहीं सर, ठीक है, ओके। अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जब हम लोग बैच स्टार्ट होगा, वेरी सून बैच स्टार्ट होने वाला है हमारा मार्च अटेम्प्ट के लिए, मार्च 23 के लिए। अच्छा, मेन टॉपिक क्या है, हमने आपको कुछ चीजें आपको क्लियर कर दी है कि क्या क्या चीजें होने वाला है। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ऑब्वियसली हम लोग 100% जितना भी कोर्स कवरेज है, 100% नहीं, 110% कवर करना है हम लोग को। एक्चुअली जो बुक में लिखा हुआ तो कवर करना ही है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो बुक में नहीं लिखी होती फिर भी हम लोग को समझनी पड़ती है, क्योंकि पेपर में आने के चांसेस हैं उसके, ठीक है। तो वो भी हम लोग कवर करना है, तो 100% तो कवर होना ही है, पूरी बुक कवर होनी, पूरी
कप्लान कवर होनी है, पूरी बीबीबी कवर होनी है, ठीक है। मॉक टेस्ट होंगे, आपको पूरा जिस दिन बैच स्टार्ट होगा उसके एक वीक के अंदर आपको पूरा बता देंगे कि कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो पहले 25% के बेसिस पे टेस्ट होगा, ठीक है, फिर पूरे कोर्स का, पूरे जितना कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद उसका पूरा टेस्ट होगा, 100% कवरेज का पूरा टेस्ट होगा। तीन टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। रिवीजन ऑब्वियसली बताया, रिवीजन होगा एक बार, पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, एक दिन या दो दिन या तीन दिन जितना भी टाइम लगेगा, तीन दिन चार दिन में पूरा रिवीजन कराएंगे आपको, पूरे जितना भी टॉपिक है, जितने भी टॉपिक कंप्लीट करें पूरा रिवीजन होगा। पास्ट पेपर मैंने आपको बता दिया सॉल्व करना ही है, वो तो कंपलसरी है पास्ट पेपर सॉल्व करना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा पेपर किस टाइप से पूछते हैं वो। एक बार कंप्लीट हो जाएगा, संडेज को हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखेंगे, हर संडेज को डाउट सेशन हो गई होगा। एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो डाउट सेशन, जब तक आपका पेपर नहीं रहता तब तक डाउट सेशन तो रखना ही, क्योंकि डाउट ऑब्वियसली निकलेंगे, क्योंकि मोर स्टडी मोर डाउट्स, जितनी ज्यादा आप स्टडी करोगे, डाउट दो ही लोग को नहीं होते, जिन्होंने स्टडी नहीं करते उनको डाउट नहीं होता, ठीक है, उन्हीं को डाउट नहीं होता, या फिर इन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी कर ली है, ठीक है ना, वो बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे होते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, डाउट आएंगे ही आएंगे, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपके डाउट क्लियरिंग सेशन चलते ही रहेंगे, और हर संडे को वैसे भी रखने वाले हैं अपने, ठीक है। जो वीक में उन्होंने पढ़ा है, आप क्वेश्चन करोगे एग्जाम किट से, कप्लान से, बीबीपी से क्वेश्चन करोगे, पार्ट या पार्ट बी के, क्योंकि पार्ट सी क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन हम ही खुद ही कराने वाले हैं क्लास के अंदर, ठीक है। पार्ट या पार्ट भी आप करोगे, कोई डाउट होगा उसके बाद हम लोग क्लास में इसको डील करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज करनी है। फिन टाइम आपको पता है, फिन टाइम इज अ गोल्ड अप्रूव्ड एसीसी लर्निंग पार्टनर, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग मिलेगा, अगर आप मान लो बाई चांस की बात है, वैसे आप कोशिश करना कि लाइव सेशन में हो तो ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगा, लेकिन अगर बाई चांस अगर आप कोई क्लास मिस कर दो तो आप उसका रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, बाकी आप वेबसाइट पे जा सकते हो, वेबसाइट हमारा, हम आपको एक पिक्चर शो कर रहे हैं, आप जाकर के वहां पे भी आप पूरा देख सकते हो, वेबसाइट पे जाकर के आप करा सकते हो। आपको एक फोन नंबर आ रहा है आपके पास में, तो वो आप वहां पे जाकर के आप इंक्वायरी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हो, ठीक है। वेरी सून आप बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप एज सून एज पॉसिबल अगर हो सकता है तो, क्योंकि अभी आज टुडे इज 18 दिसंबर है, अब मार्च अटेम्प्ट के लिए जाने वाले हो, तो ऑब्वियसली बात है आपको थोड़ा सा स्टार्ट, क्योंकि हम लोग बैच स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो आप जितनी जल्दी हो पाए प्लीज उसको रजिस्टर करा लो, और बैच स्टार्ट करेंगे और रिग्रेस स्टडी करेंगे, जितना 100% कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है हम लोग के कोर्स में, ठीक है। स्टिल अगर कोई डाउट है बेटा, रामचंद्र प्रियंका, कोई डाउट आप ये नंबर नोट कर लो, नंबर पे आप इंक्वायरी और फर्दर इंक्वायरी कुछ करना है तो कर सकते हो। हाँ रामचंद्र प्रियंका, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है बेटा। लॉजिकल आप मान समझो कि अगर आपने लॉजिकल कंसेप्ट क्लियर नहीं करे हैं कोई भी टॉपिक के, और खासकर F7 SFR SBR के, अगर आपने कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है आपकी, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा पेपर सॉल्व करने में। इसीलिए अब जो पेपर आ रहे हैं ACCE के, अगर अभी कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगा पेपर सॉल्व करने में। तो कंसेप्ट क्लियरिटी इज अ मस्ट। पास्ट पेपर आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, जितना आपको सपोर्ट चाहिए हर टाइप का सपोर्ट मिलेगा आपको हर तरीके से, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप भी फील करोगे, जो लोग पेपर दे चुके हैं उन लोगों को पता ही होगा, ठीक है। रामचंद्र काफी बार पेपर दे चुके हैं, इनका शायद एक लेवल क्लियर भी है, तो उनको आपको पता ही होगा। हाँ बेटा किसी के और कोई क्वेश्चन? प्रियंका सर PER से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, लाइक हाउ टू गो विद द इंटर्नशिप। बेटा आप एक काम कर सकते हो, आपका स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस पर फोन करके पूछ लो, ठीक है। इसमें ये जो रिकॉर्डिंग सेशन है उसमें इसको डील नहीं करेंगे अपने, ठीक है। आप जो आपको फोन नंबर आपके पास आ रहा है PER से रिलेटेड, आपके पास जो भी आपकी क्वेरीज है, आप इस नंबर पे फोन करके पूछ लो, ठीक है। तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको उसके परेशान मत हो, एक ही चीज क्लियर होगी आपकी। चलो ग्रेट, ठीक है। तो अभी आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, आप जल्दी से स्टार्ट कर लो, रजिस्टर करा लो, उसके बाद बैच स्टार्ट करते हैं और फिर क्लास में मिलते हैं, ओके। चलो बाय, थैंक यू सो मच।